खबर इटावा से है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मोहल्ला अजीत नगर के रहने वाले युवक का शव घर के बंद कमरे में मिला। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अजीत नगर निवासी तेज चंद्र 24 वर्षीय पुत्र अवधेश कासव अपने बंद कमरे में मिला। जानकारी मिलते ही थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाना प्रभारी रमेश सिंह माई फोर्स के मौके पर पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल कर पता चला कि मृतक का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। उसके पिता जो कि सिलाई मशीन टेलर हैं, दो दिन पहले ही थाना फ्रेंड्स कॉलोनी मोहल्ला अजीत नगर में बनी अपनी ही मकान में रहने के लिए आया था। उसका परिवार कई वर्षों से दिल्ली में रहकर अपना गुजारा करता है। उसके मामा के बेटे राहुल ने बताया कि शुक्रवार को वो दिल्ली से चलकर इटावा आया। शाम के बाद से वो अपना फोन नहीं उठा रहा था। तभी रविवार को फोन किया तो फोन नहीं उठाया। उसके बाद अजीत नगर में ही रह रहे मामा के बेटे राहुल को इस बात की सूचना दी गई। जब वो घर पहुंचा तो अंदर से मेन गेट बंद था। काफी देर गेट खुलवाने का प्रयास किया लेकिन नहीं खुला। तभी राहुल पड़ोस के घर जाकर के छत से नीचे उतरा तो उसने पूरे घर में जब देखा तो तेज चंद्र कहीं दिखाई नहीं दिया। जब उसने गहराई से देखा तो उसका शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसने इस बात की जानकारी मृतक के पिता अवधेश को दी। सूचना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची थाना फ्रेंड्स कॉलोनी प्रभारी रमेश सिंह ने सूचना उच्च अधिकारियों को दी। फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। गेट खुलवाने के बाद पता चला कि मृतक का शव 2 से 3 दिन का लग रहा है क्योंकि उसका शव भूल गया था और शव से दुर्गंध भी आने लगी थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों को सौंप दिया। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। राहुल, क्या बात हुई है, यहाँ हुआ क्या मामला है? परसों दिल्ली से आए हैं और जब पापा ने इनके पास फोन किया है तो इन्होंने फोन नहीं उठाया। परसों तो मेरी सिस्टर आई थी, बोली रोटी दे जाए, बोले मना कर दिया रोटी नहीं। उसके बाद फिर कल पापा ने फोन किया होगा, फोन नहीं उठाया। आज भी किया होगा, नहीं उठाया। तो आज पापा ने मेरे पास फोन किया, बोले तुम घर पे जाओ, देखो जाके फोन नहीं उठाया। जब यहाँ आए तो गेट बजाया, गेट ही नहीं खुला। तो बगल वाले अंकल जी हैं, फिर पापा ने बोला कि उनके घर से चले जाओ। उनके घर से जीने से आए और देख के मैं तुरंत बाहर आ गया। ये मेन गेट खोल के मैं निकल के बाहर से बंद करके फिर मैंने पापा जी को बता दिया। उसके बाद मैं घर चला गया। आपने क्या देखा था? वो वहाँ पड़े थे पक्षी के पास में, मृत अवस्था में। मृत अवस्था में। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है इनका? तेज चंद। कौन है ये तुम्हारे? ये हमारे बुआ जी के लड़के हैं। अच्छा, कहाँ रहते थे ये? पहले दिल्ली रहते थे, गांव इनका ससुरामपुर है। अच्छा, ये इनके माता जी पिताजी कहाँ हैं? दिल्ली है। क्या करते थे? सिलाई का काम होता है। ये कब आए थे दिल्ली से? परसों आए थे। कुछ बात बताई थी क्या? कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? नहीं, पुलिस को नहीं, मैंने सिर्फ पूबा जी को बता दिया। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस यहाँ पे पुलिस आई है। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ बताया था उन्होंने? कुछ नहीं बताया। क्या? अच्छा, ये कैसी मानसिकता वाला व्यक्ति था? ये थोड़ा दिमाग से भी डिस्टर्ब थे, मतलब वैसे गर्मी में तापते थे छत पे बैठ के। आग बाद में चलाना चाहिए।